हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और दोस्तों, मेरा जो यूरिन इन्फेक्शन हुआ था वो तो थोड़ा बहुत मेरा जो है ठीक हो गया है, लेकिन अभी तक दोस्तों मेरा जो है बुखार ठीक नहीं हुआ है और सर्दी भी हो गया है, क्योंकि हम वहाँ गए थे ना तो वहाँ पे खरीद के पानी लिए थे। इसके वजह से मेरे को ना सर्दी बहुत ज़ोर से हो गया है और बुखार अभी ठीक नहीं हुआ है, सर भी दर्द करते रहता है। और आज ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, खास खास मतलब के लिए बना रहा हूँ आप लोगों को, कि मैं जो है खुद से भी थोड़ा बहुत करके और चल ले रहा हूँ। वो थोड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे मैं चल पा रहा हूँ। और घुटना तो ऐसा मेरा लॉक नहीं हुआ है दोस्तों, फिर भी मैं पीछे धकेल के रखता हूँ और मैं चल लेता हूँ थोड़ा बहुत, वो सब आप लोग देखिएगा। और सर्दियों में कैसे पैर हाथ को सही रखना है, कैसे आप लोगों को ख्याल रखना है, वो सब चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में जो भाई आए हुए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भाई वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब लाइक करना भूल जाते हो और वीडियो पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे वीडियो को आप लोग देखने लगते हो। तो आप लोग पहले जैसे ही वीडियो में आए करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा एक बटन होता है सब्सक्राइब का, वो वाला कर दीजिएगा। उससे थोड़ा बहुत क्या होगा दोस्तों, मेरा हेल्प हो जाएगा और आप लोग का भी भला होगा। आप लोग भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे, जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा वैसे आप लोग भी ठीक हो जाएगा, और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ, वीडियो में बने रहिए और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को रेलिंग में चल के। और इधर देखो, इधर इधर इधर, हेलो दोस्तों कर दो, हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग कर दो, कर दो इधर, कर दो इधर, इधर देखो इधर इधर इधर, हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग कर दो। देखो देख नहीं पा रहा, उधर से धूप निकला हुआ है ना, इसके वजह से उधर वो देख ही नहीं रहा है। और ये बहुत खटपटी कर रहा है दोस्तों आजकल, और इसका 6 महीना हो गया दोस्तों, तो ये बैठने भी लगा है। उसका भी थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप डाल देंगे आप लोगों को, देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं वीडियो शूट करने के लिए, हम रेलिंग में चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मम्मी अभी आया है, थोड़ा बहुत नाश्ता करेगा, उसके बाद मेरे को चलाएगा रेलिंग में और मैं खुद से चल के 2-4 कदम आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं खुद से कैसे चल लेता हूं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो है मैं कैलिपर भी नहीं लगाया हूं और ना ही मैं कोई नी प्रेस लगाया हूं, और मेरा जो है घुटना लॉक है और मैं खड़ा भी हूं दोस्तों। ये देख सकते हो आप लोग, और थोड़ा मेहनत लग रहा है खड़ा होने में। और अभी मैं थोड़ा नज़दीक जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, उससे पहले क्या होगा थोड़ा मैं चल के दिखाता हूँ आप लोगों को कि बिना कैलिपर से भी मैं चलने लगा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, एक जो है ना मेरा ये वाला पैर, ये अभी तक जो है खिचकता ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह करके, कोई नहीं रहता है मेरे घर पे तो मैं ट्राई करता हूँ कि चलने का प्रयास करूँ दोस्तों, क्योंकि नहीं चलेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना मेहनत लग रहा है दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग, लेकिन मैं चल रहा हूँ बिना कुछ लगाए घुटनों में। कुछ मेरा जो है घुटना में नहीं लगा हुआ है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया दोस्तों, अब नहीं चलेंगे तो कब चलेंगे, अभी साल भर हो गया मेरे। और रिक्शी लेना होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत रिक्शी नहीं लेंगे कैसे होगा, रिकवरी भी लाना जरूरी है ना। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा जो है कैलिपर नहीं लगाना पड़े, वो तो अच्छा है। देख सकते हो दोस्तों मैं थक चुका हूँ काफी ज्यादा, मेरे को जो है ताकत लग रहा है और मैं काफी हाथ पे भी परेशान डाल रहा हूँ। और आप लोग भी इस तरह कीजिएगा तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इसमें थोड़ा रिक्सी भी है दोस्तों, धीरे धीरे करते हम लोग जो है सही हो जाएंगे। अभी देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ, सीधा से रुक जाओ दिखाता हूँ 1 मिनट। काफी मेहनत लग रहा है दोस्तों मेरे को और काफी ताकत लग रहा है। पकड़
अब दोस्तों मेरा मम्मी पकड़ा, उसके बाद मेरे को थोड़ा जान में जान आया क्योंकि सारा वेट जो बॉडी का है वो मेरा हाथ पे आ गया था, उतना तो काम कर ही नहीं रहा है। दोस्तों थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ और खुद के लिए भी करता हूँ, और आप लोगों को भी कुछ सीख देता हूँ ताकि आप लोग भी कुछ सीख पाए। तो मैं अभी रेलिंग में चल रहा हूँ दोस्तों, और थोड़ा देर तक चलेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और फिर मैं दिखाऊंगा घर में कि मेरा यूरिन कैसा आ रहा है, यूरिन इन्फेक्शन सही हुआ है कि नहीं, सब वो सब दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली दोस्तों मैं रूम के आ गया हूँ रेलिंग में चल के, और ये देख सकते हो ठंडियों में आप लोगों को ये खास करके ध्यान रखना दोस्तों, पैर में जो है ना सरसों का तेल और उसमें लहसुन डाल के और गर्म कर लेना है, और वो आप लोगों को पैर में मालिश करना है दोस्तों, हल्के हल्के हाथों से, जोर से मालिश नहीं करना है। अभी दिखा दे रहा हूँ वीडियो में कैसे मालिश करना है। मेरा भाई अभी मालिश करेगा, तब तक मेरा रौनक बाबू इधर देखो सोया हुआ है, तो उसको मोबाइल लगा के दे देगा तब वो रोएगा नहीं, नहीं तो वो रोने लगेगा तो फिर कैसे मेरे को मालिश कर पाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बता दे रहा हूँ मालिश कैसे हल्के हाथों से करना है दोस्तों। ये देख सकते हो ये सरसों का तेल है, हम जैसे गरीब लोग तो सरसों का ही तेल ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन बात ये है ना कि इसमें तेल मिलता है नसों के लिए, तो वो सब आप लोग मंगा लीजिएगा जिनका पास पैसे हैं, मेरा पास तो नहीं है दोस्तों, इसकी वजह से मैं सरसों का तेल में ही लहसुन डाल के और गर्म करके और लगा रहे हैं ताकि पैर जो है सूखे ना और ठंडी ना लगे। पैरों को ढक के रखना है हमेशा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है दोस्तों, ठंडी लगेगा तो और ज़्यादा वीक हो जाएगा पैर, इसीलिए जो है सो इसमें सरसों को तेल गर्म करके मालिश करते रहना है, और हाथ में भी करना है। जिन भाई का सर्वाइकल लेवल है उनको हाथ में भी करना है, मैं तो सिर्फ पैर में ही करना हूँ, कमर से नीचे पूरा पैर तक इंजरी जहाँ पे हुआ है उसके नीचे पूरा करते इधर मालिश, और सुबह शाम करके करना है दो टाइम को, अभी सुबह का कर रहा हूँ शाम को भी करता है। तो ये मालिश मेरा हो रहा है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जाके वीडियो विजिट कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।